न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 29 सितंबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तरकुलहा देवी मंदिर के जोरदार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नवरात्रि के शुभारंभ पर करेंगे गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापना। यूपी के डीजीपी ने वाहन चेकिंग पर जारी किए दिशा निर्देश, कहा चेकिंग के नाम पर ना किया जाए वाहन चालकों का उत्पीड़न, यातायात के नियमों को तोड़ने वालों पर ही करें कार्रवाई। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा विरोधियों द्वारा लगाया गया आरोप है निराधार, निषाद पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए किया जा रहा है दुष्प्रचार। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए डीएम ने 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 28 सितंबर को बंद रखने के दिए आदेश। 29 को रविवार होने के कारण अब 30 को खुलेंगे सभी स्कूल। कस्टम विभाग ने ट्रक पर लदी इंडोनेशियाई 85 लाख की पकड़ी सुपारी, ट्रक को भी किया सीज। उपायुक्त राकेश श्रीवास्तव ने कहा विदेशी सुपारी की तस्करी से सालाना करोड़ों की लगती है चपत। बारिश के कारण हुए जल भराव वाले क्षेत्रों को एडीएम सिटी ने लिया जायजा, नगर निगम के द्वारा कराई जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई टीवी उन्मूलन संबंधित बैठक, 2025 तक टीवी के खात्मे पर विचर्चा बनी रणनीति। रुक रुक कर हो रही है बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हुई उत्पन्न, नगर निगम ने पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का काम किया शुरू। टीवी पीड़ित 5 वर्ष के बच्चे को जिलाधिकारी ने लिया गोद, भरण पोषण की जिम्मेदारी के साथ दिया उसे पौष्टिक आहार। सीएमओ ने कहा राज्यपाल का आह्वान पर डीएम ने लिया है टीवी पीड़ित को गोद। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन एवं रोजगार सभी के लिए एक बेहतर भविष्य विषय पर आयोजित कार्यशाला, जिलाधिकारी ने कहा गोरखपुर में पर्यटन के क्षेत्र में है रोजगार की असीम संभावनाएं। गोरखपुर में पहली बार नई नाट्य रणनीति द्वारा शिक्षण कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। श्याम सुंदरी थिएटिकल ग्रुप गोरखपुर की अवैतनिक सचिव रीना सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कन्नौज में महिला लेखपाल के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लेखपाल संघ का धरना 3rd दिन भी रहा जारी, जिलाध्यक्ष ने कहा न्याय मिलने तक रहेगा जारी आंदोलन। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन के साथ साथ व्यापार हुआ प्रभावित, बाजारों में पसरे सन्नाटे से व्यापारी परेशान। इनर व्हील क्लब के तत्वाधान में आयोजित हुआ डांडिया, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का लिया संकल्प। और फैशन एपिटोम के ऑडिशन में कलाकारों ने रनवे पर दिखाया अपनी प्रतिभा, का उभरते हुए कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना ही है संस्था का लक्ष्य।